أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين درود پڑھ دیجئے محمد مومن کرام آج کی رات شب جمعہ ہے دل چاہتا ہے کہ زمانے کے امام کو آج کی رات ہم دعائے سلامتی امام زمانہ کے ذریعے یاد کریں میرا ساتھ دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة سب مل کے ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا درود پڑھ دیجئے عزیزان گرامی قدر شب جمعہ کے بہت سے اعمال ہیں جن میں سے ایک اہم ترین عمل دعائے کمیل پڑھنا ہے سارا سال اگر انسان کو موقع نصیب نہ ہو سکے اس عشر محرم کا یہ پہلا اور آخری شب جمعہ ہے کوشش کریں کہ دعائے کمیل اگر ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور کل کی صبح جب آئے گی دعائے ندبہ انسان کوشش کرے کہ پڑھے کیونکہ دعائے ندبہ ایسی دعا ہے کہ جس کے اندر فضائل اہل بیت بھی موجود ہیں اور مصائب اہل بیت بھی بیان کیا ہے چھٹے سرکار نے ایک کے بعد ایک فضائل کو کہ علی کی شان میں یہ آیت بھی اتری یہ آیت بھی اتری یہ حدیث بھی بیان کی یہ حدیث بھی بیان کی یہاں تک کہ بیان فرمایا فقتل من قتل لیکن جن کو قتل کیا جانا تھا ان کو قتل کر دیا وصبی من صبی اور جن کو اسیر بنایا جانا تھا ان کو اسیر بنا لیا تو مصائب اہل بیت بھی موجود ہیں فضائل اہل بیت بھی موجود ہیں اور اگر ہم کسی خطیب سے کسی عالم سے سنتے ہیں وہ الگ بات ہوتی ہے
खुद इमाम की ज़बान मुतहर से जो कलमात जारी हुए हैं उनको दोहराएं, उसकी बात अलग होती है। खुद ब खुद मुहर्रम के अय्याम में इस दुआ को पढ़ने से आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे, और अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो यही सबब होता है दुआ की कबूलियत का। जुमे का दिन है, दुआए अहद के बारे में आया है कि दुआए अहद में हमने ये कहा कि जुमे ही के दिन इमाम ज़माना के ज़हूर की तवक्को रखी गई है। जुमे का दिन ज़माने के इमाम के ज़हूर का दिन हो सकता है। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि परवरदिगार इसी जुमा को इमाम ज़माना के ज़हूर का दिन करार फरमाए, हमें उनके लश्कर के सिपाहियों में शामिल फरमाए। अगर माइक को कोई भाई देख रहे हैं तो माइक की बेस को हटा दीजिएगा, वैसे ही हमारी बेस बहुत ज़्यादा बन गई है। एक मिलकर आप दुरूद पढ़ दीजिए मुहम्मद वाले मुहम्मद पर। एक और सलावत पढ़ दीजिए मुहम्मद वाले। हमारा मौजू गुफ्तगू है अली बशर कैफ़ बशर, अली बशर तो है मगर कैसे बशर। और इस उनवान पर हम मुसलसल आपकी खिदमत बयान कर रहे हैं कि चाहे जंगे बदर का मार्का लें, जंगे अहद का मार्का लें, जंगे खैबर का लें या खंदक का लें, हर मैदान में अली मैन ऑफ द मैच नज़र आते हैं। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि खंदक के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत बयान करें, लेकिन चाहे खंदक का मार्का हो, बदर हो या अहद हो, आपने एक नतीजा महसूस कर लिया कि काफिरों की तादाद मुसलमानों से हर जंग के अंदर ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद काफिरों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इससे हमें नतीजा ये मिला कि खुदा अक्सरियत के साथ नहीं होता, खुदा उसके साथ होता है जो सही ईमान रखता है, खुदा उसके साथ होता है जो सही अकीदा रखता है, जिसका ईमान अकीदा मोहब्बत परवरदिगार से मजबूत होगी, परवरदिगार उसे कामयाब करेगा। तो अगर ये फैसला हो गया है तो हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कोई अक्सरियत की बिना पर हमें डराने की कोशिश न करे। परवरदिगार अक्सरियत को शिकस्त दे देता है, अकलियत को गालिब बना देता है। और कुरान के अंदर ये आयत भी मौजूद है कि कम मिन फितन कलीलतन गलबत फितन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से कितनी ही मर्तबा ऐसा हुआ है कि बड़े लश्करों को छोटे लश्करों ने शिकस्त दे दी। और हमारे सामने करबला वालों की मिसाल मौजूद है जो सिर्फ 72 की तादाद में थे, लेकिन आज 72 वालों का जिक्र मौजूद है, जबकि उसी करबला की सरजमीन में, तवज्जो फरमाइएगा कि करबला ही की सरजमीन में उमर साद ने कहा था कि जितने हमारे लश्कर के सिपाही मारे गए हैं सबकी खबरें बनाओ, सबको दफनाओ, सबको कफन पहनाओ, सबकी लाशें दफनाए गए, सारी खबरें तैयार हो गई, लेकिन जिनकी खबरें बनाई गई थी उनकी खबरें नापैद हो गई, जिसकी कब्र बेगौर कफन छोड़कर चले गए थे आज उसका रोज़ा आबाद है। याली तो कोई हमें अक्सरियत पर न डराए, अक्सरियत शिकस्त खाती रही है, वो अकलियत जो ईमान और अकीदे मुहकम के साथ थी वो कामयाब हुई है। और फिर हमें जंगे खंदक ही के अंदर एक पैगाम मिलता है। देखिएगा जंगे खंदक में जब ये लश्कर तैयार होकर आया तो बदर में शिकस्त खा चुका था, अहद में शिकस्त खा चुका था। अब इन्होंने जाकर अपने बड़ों से शिकायत की। अबू सुफियान अपने बड़ों के पास गया, वो अपने बड़ों के पास गए। इनके बड़े कौन थे? इनके बड़े बिलाखिर बुत थे। बुतों के पास आकर शिकायत की, तुमने हमें कामयाब नहीं किया, ए लात ए उज्जा ए मनात तुमने हमें हरवा दिया, ये देखो ये बगैर बुत के हैं, ये कामयाब हो गए, ये जीत गए। तो शायद बुतों ने भी इनको जवाब दिया होगा, अच्छा हुआ कि तुम हार गए, एक वक्त वो भी आने वाला है जब अली हमें भी मार देगा, बड़ों के ऊपर भी वक्त आने वाला है, अच्छा हुआ कि तुम चले गए, पहले तुम्हारी बारी आई, हमारी बारी बाद में आएगी। तो अली इब्न अबी तालिब के होते हुए कोई जंग ऐसी नहीं थी कि जो मुसलमान हारे हों, अली जब तक मौजूद हैं इस्लाम के साथ कामयाबी है। आज जिसके साथ अली मौजूद है वो कामयाब है, आज जिसके साथ हुसैन मौजूद है वो कामयाब है।
5 हिजरी के अंदर ये जंग रोनुमा हुई। बाकी जंगों में और इस जंग में फर्क है, जंग बदर जब हुई थी तो एक ही दिन में ख़त्म हो गई, जंग अहद हुई थी एक ही दिन में ख़त्म हो गई, लेकिन जंग खंदक वो थी जो कम से कम 20 दिन या इससे ज़्यादा जारी रही। और आपको मालूम है उसकी वजह क्या थी, क्योंकि जब इन्होंने आकर खंदक को देखा तो वह जंग नहीं कर सकता था, इंतज़ार करते रहे कि कभी ऐसा मामला पेश आएगा कि हमारे लिए राहें हमवार हों, हम वहाँ से फलांग कर जाएँ और फिर जंग करें। तो 20 दिन के बाद ये क्यों चले गए, अगर मौका मिल गया था तो क्यों उन्होंने भरपूर और जंग नहीं जारी रखी। मामला ये था कि ये समझ रहे थे हम कलील तादाद के मुकाबले पर जा रहे हैं, उतना ही कलील खाना साजो सामान अपने साथ लेकर निकले थे, लेकिन जब इन्होंने अपने सामने खंदक को देखा इनका खाना साजो सामान ख़त्म हो गया, मजबूर हुए कि मदीना को छोड़ें और दोबारा मक्का में लौट आएँ। तो परवरदिगार ऐसी तदबीरें करता है, तुम जितनी ही ताकत लेकर आ जाओ जिसके साथ अल्लाह होगा वही कामयाब होगा। कुरान में परवरदिगार ने शाह फरमाया है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान वाकयन अल्लाह की मदद के लिए निकले और अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। तो 5 हिजरी को तैयारी पकड़ी, अबू सुफियान ने सारे कबाइल को जमा किया। ये नाम भी ऐसा है, जंगे बदर आती है तो इसी का नाम आता है, जंगे अहद आती है तो इसी का नाम आता है, जंगे खंदक आती है तो इसी का नाम आता है, जब ये चला जाता है तो इसी का बेटा जंगे सिफीन में आता है, जब वो चला जाता है तो उसी का बेटा करबला के मैदान में आता है। तो हमें पता चला 2 सिलसिले चल रहे हैं, एक शजरा तैयबा है एक शजरा खबीसा है, ये 2 सिलसिले जारी और सारी हैं और ये सिलसिले जारी रहेंगे यहां तक के जमाने के इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे, और जमाने के इमाम के मुकाबले में जहां दज्जाल होगा वहीं पर सुफियानी भी होगा। ये सिलसिला जारी रहेगा, 2 शजरे हैं, 2 अफराद हैं, 2 कबीले हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और हमें फैसला करना है कि हम किस कबीले के साथ हैं। तो अबू सुफियान ने तैयारी पकड़ी, बदर के अंदर सारे पहलवानों को मार दिया, अहद के अंदर सारे झंडा बरदारों को मार दिया, अब मक्का खाली हो गया है लड़ने वालों से, कहाँ से लेकर आए पहलवान, कहाँ से लेकर आए जंगजू। अबू सुफियान ने यह तैयारी की कि अगर मक्का खाली हो गया है तो अतराफ मक्का में तलाश करो, और अतराफ मक्का के जितने कबाइल थे उनको जमा किया पैगंबर के खिलाफ। 17 कबीले अबू सुफियान के मातहत जमा हो गए, 17 कबीले एक कबीले के मुकाबले पर हैं, और जितनी भी बातिल कुव्वतें हैं हमेशा वो एक ही के मुकाबले पर होती हैं। आज भी बातिल कुव्वतें मिलकर एक ही के मुकाबले पर हैं, लेकिन वो एक ऐसा है कि जो अली के साथ है, वो हुसैन के साथ है, वो मेहदी के साथ है, लिहाजा वो एक भी इन सब पर भारी रहकर रहेगा। तो 17 कबीले जमा हो गए, इन्होंने मदीने का रुख किया। ये जब मदीने का रुख कर रहे थे इन्होंने मदीना से भी अफराद अपने पास शामिल किए, हत्ता कबीले गतफान को इन्होंने शामिल किया, कबीले सुलेम को इन्होंने शामिल किया जो मदीना से ज़रा दूर रहते थे। ये सारा कबीला मिल गया और मुत्तहिद होकर ये इस्लाम के मुकाबले पर आए। अब महसूस कीजिएगा पैगंबर को कैसे इत्तला हुई कि ये आने वाले हैं और पैगंबर ने कब खंदक खोदना शुरू की। मैं अपने नौजवानों के लिए बातें बयान कर रहा हूँ, बुजुर्गान तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। पैगंबर को 3 रास्तों से इत्तला हुई। एक रास्ता पैगंबर के चचा अब्बास का था जो बज़ाहिर मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन वो सारे काम करते थे जो इस्लाम के फेवर में हो, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ख़ानदान बनी हाशिम में बहुत से ऐसे तुम्हें मिलेंगे जो बज़ाहिर तुम्हारा वाला कलमा नहीं पढ़ते हैं लेकिन तुमसे बेहतर इस्लाम की मदद करते हैं। तो जनाब अब्बास ने ख़त लिखकर बता दिया था कि अबू सुफियान तैयार हो गया है, आपके मुकाबले पर आ रहा है, आप तैयारी पकड़िए। दूसरा एक और कबीला है कबीले ज़रा, उससे भी खबर दे दी
कि ये लश्कर आ रहा है, आप तैयारी कीजिए। और तीसरा रास्ता जो सबसे मुतमईन रास्ता था वो अल्लाह का रास्ता था। अल्लाह ने वही नाजिल की, ऐ मोहम्मद लश्कर तुम्हारे मुकाबले पर आ रहा है, तैयारी पकड़ो। और पैगंबर अकरम ने अपने असहाब को जमा किया। कल की गुफ्तगू में आया था, अगर पैगंबर चाहते तो अकेले भी हर जंग के अंदर कामयाब हो सकते थे, लेकिन पैगंबर ये काम नहीं करना चाहते। क्यों? इसलिए कि एक सिस्टम देना चाहते हैं, कौन मुशीर बनेगा, कौन वजीर बनेगा, कौन सफीर बनेगा, कौन एक आम इंसान बनेगा, कौन कैसी खिदमत अंजाम देगा, हर एक का एक अपना स्टेटस है। इसलिए असहाब से मशवरा लिया, ऐसी हालत में क्या किया जाए कि इतना बड़ा लश्कर हमारे मुकाबले पर आ रहा है। लश्कर की तादाद बाज ने 18,000 की लिखी है, जो ना बदर में आया था ना ओहद में आया था, खंदक में अबू सुफियान ने 18,000 का लश्कर तैयार किया। और कम से कम तादाद भी 10,000 की बयान की है जो मुसलमानों के मुकाबले पर है। पैगंबर ने सवाल किया, ऐ मेरे चाहने वालों बताओ क्या किया जाए। उस वक्त सलमान फारसी खड़े हुए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब ईरान में ऐसा मसला पेश आता था कि छोटे लश्कर का मुकाबला बड़ा लश्कर करने आता था तो वो पूरे शहर में खंदक खोद दिया करते थे और उस खंदक के अंदर आग भी लगा देते थे या पानी भर दिया करते थे ताकि खंदक कोई भी फलांग ना पाए। या रसूल अल्लाह, बेहतरीन तरीका यह है कि आप भी खंदक खोद दीजिए। पैगंबर, मुझे बताइए, क्या खुद ये अकल नहीं रखते हैं कि खंदक खोदी जा सकती है? क्या पैगंबर के पास इतना इल्म मौजूद नहीं है? क्या अली मुर्तजा के पास ये इल्म मौजूद नहीं है? लेकिन पैगंबर ये चाहते हैं कि इस खिदमत को तकसीम करें ताकि सब इस सवाब के अंदर शरीक हो सकें। सारा सवाब खुद नहीं ले जाना चाहते, कोई बानी मजलिस बनेगा, कोई सबील लगाने वाला होगा, कोई नियाज लाने वाला होगा, कोई माइक का काम करने वाला होगा, कोई पढ़ने वाला होगा, कोई सुनने वाला होगा। मेरी आवाज कम हो गई है तो आपकी आवाजें तो कम ना हो। मौला के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, पैगंबर को ये मशवरा इतना पसंद आया, कहा कि बिल्कुल खंदक खोदी जाएगी और यू शेप के अंदर खंदक खोदी गई। क्यों? क्यों पूरी खंदक पूरे शहर के अंदर नहीं खोदी गई, चारों तरफ से क्यों नहीं खोदी गई? इसलिए नहीं खोदी गई क्योंकि मदीना के दोनों तरफ चटियल पहाड़ियां आती हैं जहां से कोई भी घोड़ा गुजर नहीं सकता था, कोई सवारी नहीं गुजर सकती, लश्कर नहीं गुजर सकता, इसलिए वहां से अमन अमान था। लेकिन जहां से आने का इम्कान था वहां पर खंदक खोद दी गई और यही खंदक करबला में हुसैन इब्न अली ने भी खोदी है। जी, मौला इमाम हुसैन को यह डर था कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो ये फौजी अशकिया मस्तूरात के खेमे में आएंगे, इसलिए पीछे से हिफाजत की खातिर मौला ने खंदक भी खोदी थी, उस खंदक में आग भी लगाई थी। और मलऊनों ने जब इमाम हुसैन को आग लगाता हुआ देखा था तो ऐसा जुमला इशा फरमाया, वो जुमला मैं बता नहीं सकता मगर मजलूमियत बताने के लिए मैं जुमला पेश कर रहा हूँ। उन मलऊनों ने ये कहा, ए हुसैन, तुमने आग में जाने में बहुत जल्दी कर दी। अल्लाह अकबर, जो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हो, कैसे खबीस और कितने मलऊन लोग थे। इस आग को देख कर ये जुमला उन्होंने कहा। तो करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन ने खंदक खोदी थी और वही सलमान फारसी के मशवरे पर अमल किया था। यह है सलमान फारसी, मशवरे पर अमल हुआ, खंदक खोदी गई। कितनी तोलानी खंदक थी? जी, ये सवाल भी पैदा होता है कि कितनी लंबी खंदक थी, कितनी गहरी खंदक थी, कितनी चौड़ी खंदक थी। मौरखीन ने इस पर तहकीक की और तहकीक करने के बाद नतीजा ये निकाला, मुसलमानों ने मिलकर जो खंदक खोदी थी उसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर थी, एक फरसख। आप महसूस कीजिएगा यहां से 1 किलोमीटर का फासला कितना होता है, 5.5 किलोमीटर कितना ज्यादा होता। इतनी खंदक मुसलमानों ने मिलकर खोदी और पैगंबर ने यह हुक्म दिया था हर एक 2 मीटर के बराबर खंदक खोदे, 2 मीटर की लंबाई के बराबर खंदक खोदे। 3,000 का लश्कर मुसलमानों का लिखा गया है, बाज़ ने लिखा है कि 700 की तादाद भी थी,
जो मिनिमम तादाद है वो 700 बयान हुई है, मैक्सिमम तादाद 3000 की बयान हुई है। बहरहाल इन सब ने मेहनत की और उसके बाद खंदक खोदी। हत्ता ये भी रिवायात के अंदर लिखा है कि छोटे छोटे बच्चे आ गए, जिस तरीके से हमारे पास छोटे छोटे बच्चे सबील का पानी देने के लिए आ जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। कहा या रसूलल्लाह, हम भी आपकी मदद करेंगे, हम भी खंदक खोदने में आपकी हेल्प करेंगे। और उन्होंने खंदक खोदी, लेकिन जैसे ही कुफार का लश्कर आने वाला था, अभी एक दिन के फासले पर था, पैगंबर ने फरमाया जितने भी 15 साल से छोटे बच्चे हैं वो सब यहां से दूर हो जाएं। पैगंबर ने बच्चों की जानों की हिफाजत की है। पैगंबर किसी आम इंसान के बच्चे को भी शहीद होता हुआ नहीं देख सकते। करबला में 6 महीने का बच्चा भी मारा गया है। तो करबला के जितने भी आसार हैं और जितनी भी मजलूमियत है, आपको पहले उसके आसार दिखाई देंगे। जुड़ा है करबला पहले वाली तारीख के साथ। ये जब खंदक खोद दी गई, 5.5 किलोमीटर की तुलानी खंदक है। इसकी गहराई कितनी थी? गहराई 2.5 मीटर की थी, एक इंसान से ज्यादा की गहराई थी, ठीक है। और चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई भी 2.5 से 3 मीटर बयान की गई है कि अगर घोड़ा तेज रफ्तारी से आकर भी फलांग चाहे तो फलांग ना सके। यह खंदक खोद दी गई। मुशरिकीन जब आए मदीना के बिल्कुल नजदीक, और अभी समझ रहे थे कि हम मुसलमानों को तय तय कर देंगे, अभी करीब पहुंचे थे, क्या देखा कि यह क्या चीज है, पूरे शहर के अंदर खंदक खोदी हुई है। और ये कभी दाएं तरफ जाते थे, कभी बाएं तरफ जाते थे, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता था। इन्हें पहली मर्तबा ऐसा धचका पहुंचा जो जिंदगी में नहीं किया था। सुबहान अल्लाह, सलमान फारसी ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। जी, सलमान फारसी का कारनामा कोई मामूली कारनामा नहीं है, इतना अजीम कारनामा है कि मशवरा भी दिया और ऐसा अमल भी किया कि 10 मुसलमानों के बराबर अकेले ने खंदक खोदी थी। और इस खंदक की वजह से मुहाजरीन कहते थे सलमान मक्के वाले हैं लिहाजा हम में से हैं, अंसार कहते थे सलमान फारसी हैं, अजमी हैं, लिहाजा मुहाजरीन में से नहीं अंसार में से हैं। जब अंसार ने कहा सलमान हम में से हैं, मुहाजरीन ने कहा हम में से हैं, पैगंबर करीब तशरीफ लाए, फरमाया न सलमान अंसार में से हैं न मुहाजरीन में से हैं, अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद। मुझे यहाँ रुक कर एक जुमला कहने दीजिए, सहाबियों में सबसे अफजल सहाबी है सलमान फारसी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अस्हाब में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला सलमान फारसी है। अगर सलमान फारसी सहाबियों में सबसे सरे फहरिस्त होने के बावजूद पैगंबर ये कहें ए सलमान अब तुम हम अहले बैत में आ गए हो, तो फिर मुझे कहने दीजिए सहाबियत अगर अपनी मेराज पर पहुंचती है तो अहले बैत के कदमों तक आती है। सहाबी सब मोहतरम हैं, लेकिन अहले बैत और हैं, सहाबी और हैं। सहाबी वो सहाबी हैं कि जो अहले बैत के नक्शे कदम पर चलें। हमारे एक अहले सुन्नत दोस्त हैं, एक अहले सुन्नत आलम दीन हैं, अभी हम टेलीविज़न पर रिकॉर्डिंग करवा कर आए, उन्होंने खुद ये कहा मैं इस नारे को मानता हूँ हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। मुझे मालूम तो इतनी खामोशी होगी, लेकिन मैं आपकी खामोशी को तोड़ूँगा। उन्होंने कहा कि ये नारा हम लगाते हैं हर सहाबी नबी, बोलेंगे बुलंद आवाज से भी बोलेंगे क्या, लेकिन मैं कहता हूं ये नारा नामुकम्मल है, इस नारे के साथ ये नारा वाजिब है। ये कहो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती और हर दुश्मन अली जहन्नमी जहन्नम।
और ये दोनों बातें रिवायात से साबित है। नबी ने फरमाया था या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबगिज़ुका इल्ला मुनाफिक। ए अली, तुझसे मोमिन के अलावा कोई दोस्ती नहीं कर सकता, मुनाफिक के अलावा कोई दुश्मनी नहीं कर सकता। तो दुश्मन अली मुनाफिक हुआ, मुनाफिक ही जहन्नम हुआ। तो फिर मिलकर लगाइए, हर सहाबी है नबी और हर दुश्मन है अली, हर दुश्मन है अली। नारे हैदरी। तो सलमान फारसी इस मशवरे के बाद अहले बैत की फहरिस्त में शामिल हुए। जब कुफार ने आकर मंजर देखा, बड़ी हैरानगी हुई कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो कभी हमने जिंदगी में नहीं देखा था, अब क्या किया जाए। मुसलमान उस तरफ बहुत सुकून के आलम में है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, ये कुफार हमारे करीब भी नहीं आ सकते। दूर से तीर चलाते थे, दूर से पत्थर मारने की कोशिश करते थे, लेकिन मुसलमानों में से ना कोई जख्मी हुआ, ना कोई तलवार चली, ना कोई तीर लगा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 20 दिन गुजरने के बाद अमर बिन अब्दवत खंदक फलांग कर आ गया। और अभी खंदक फलांग कर आना था, जो सांसें चल रही थी मुसलमानों की वो रुक गई। और ये मेरा जुमला नहीं है, कुरान की आयत है। जिस तरीके से हमने अर्ज किया, जंगे बदर जो पढ़ना चाहें वो सूरह अनफाल को पढ़ें, जंगे ओहद पढ़ना चाहें सूरह आले इमरान के आखिरी हिस्से को पढ़ें, और अगर जंगे खंदक पढ़ना चाहें कुरान से तो सूरह अहज़ाब को पढ़ें। सूरह अहज़ाब के इब्तदाई हिस्से के अंदर जंगे खंदक को बयान किया गया है, और उसी सूरह अहज़ाब का जुमला यह है कि इनकी हालत यह हो गई थी, इनके दिल इनके हलक में आ गए थे। अल-क़ुलूबुल हनाजर, दिल उठकर हंजरे तक आ गए थे और हलक में आ गए थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। तारीख ये कहती है कि सर अपना हिला नहीं पा रहे थे, कि कहीं खुदा ना खासा गलती से भी सर हिला और पैगंबर ने फरमाया तुमने तो अभी हाँ कहा है, जाओ मुकाबले पर। इसलिए अपना सर भी नहीं हिलाते थे। और वो मलऊन जो खंदक फलान कर आया है, वो अकेला नहीं आया, उसके पीछे और अफराद भी आ गए। अकरमा बिन अबी जहल का नाम भी मिलता है, जरा बिन खत्ताब का नाम भी मिलता है, और भी अफराद थे जो आ गए, 7-8 अफराद थे कि जो खंदक फलांग कर आ गए, लेकिन इन सब का सरदार अमर बिन अब्दुवत था। और अमर बिन अब्दुवत जब आया मुसलमानों के सामने तो उसकी जुर्रत इतनी थी कि ललकार ललकार कर ये मुख्तलिफ जुमले कहता था। इससे पहले कहा तुम कहते हो कि अल्लाह तुम्हें निजात देता है, आओ मुकाबले पर मैं देखता हूं कि कौन सा अल्लाह तुम्हें निजात देता है। आकर कहता था ए मुसलमानों, तुम कहते हो अगर कोई हमारे हाथों से मर जाता है तो वो जन्नत में जाता है, और हमें मार देता है तो भी जन्नत पाता है, आओ मैं तुम्हें जन्नत दिलाता हूं। और इतना बुलंद आवाज से चीख चीख कर कह रहा था कि कहता है कि मैं चीख चीख कर थक गया हूं, मेरे गले में दर्द हो गया है, तुम में से कोई निकल कर आता क्यों नहीं है। यहां तक कि उस मलून ने जुर्रत की कि अपने हाथ में जो नेजा मौजूद था वो पैगंबर के खेमे की तरफ फेंका, और पैगंबर के खेमे में आकर वो नेजा लगा, और नेजे का लगना था कि पैगंबर ने फरमाया मन लिहाजल कल्ब रहमतुल आलमीन। रसूल की जबान से पहली मरतबा लोगों ने सुना कि पैगंबर ने शाह फरमाया, यह शान मिंबर के मुताबिक नहीं है, लेकिन चूंकि नबी अकरम ने फरमाया है बात पहुंचाना जरूरी है इसलिए मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूं। पैगंबर ने फरमाया कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाए। ये कल्ब का लफ्ज पैगंबर ने इस्तेमाल किया। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप पर किसी ने ओझड़ी रखी आपने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपकी राहों में कांटे बिछाए गए आपने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपको पत्थर मारे गए आपने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लोग तलवार लेकर आ गए आपने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इसने आपके खेमे पर हमला किया है क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल किया। तवज्जो रखिएगा, शायद पैगंबर ये जवाब दें उनकी गलतियां मेरे साथ थी लेकिन इसने जो गलती की है वो मेरे घर पर आकर हमला किया है। तवज्जो रखिएगा, मैं नतीजा देना चाह रहा हूं, मैं दुनिया वालों को बताना चाह रहा हूं जो हमारे घर पर आकर हमला करे चाहे वो किसी भी दौर का हो, जो तेरे रसूल पर आकर हमला करेगा हमारी नजर में वो कल्ब से कम नहीं होगा। सलामत रहें।
याली मौला सलामत रखिए जी आप। तो हमला किया खैमे रसूल पर, पैगंबर ने फरमाया कौन है जो इस कल्ब के मुकाबले पर जाए। किसी का हाथ नहीं उठा, उसी का हाथ उठा जिसका गदीर में हाथ उठाया था। फरमाने लगे मेरे मौला अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं इसके मुकाबले पर जाऊंगा या रसूल अल्लाह। और कितना खूबसूरत फिक्रा है, मौला फरमाते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं आज अपने भाइयों से कहूंगा आज के दौर में लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना आसान है। आज जो मुरीद लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहे हैं उनके पीरों पर भी जब वक्त आया तो जबान से लब्बैक या रसूल अल्लाह नहीं निकला। और लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना ये अली की सुन्नत है, और अली को मौला कहना नबी की सुन्नत है। क्या मैं इसके मुकाबले पर जाऊंगा या रसूल अल्लाह? पैगंबर ने बैठा दिया, कहा अली बैठ जाओ। बैठे फिर सवाल किया कौन है जो इसके कल्ब के मुकाबले पर जाएगा। किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ, उसी का खड़ा हुआ जिसका हर वक्त खड़ा होता है। हाथ अपना बुलंद किया, कहा अना या रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा इसके मुकाबले पर। कहा अली बैठ जाओ। अली को फिर बिठा दिया, फिर सवाल किया कौन है जो इसके मुकाबले पर जाएगा, इसकी भूख को बंद करेगा। कोई खड़ा ना हुआ, लोग अपने सर को हिलने नहीं देते थे कि कहीं सर का इशारा हुआ और हमें ना उठा दे। जब तीसरी मर्तबा भी मेरे मौला का हाथ बुलंद हुआ, कहा ए अली अब जाओ। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह जब भेजना ही था अली को तो पहली मर्तबा में भेज देते, क्यों तीसरी मर्तबा का इंतजार किया? शायद नबी ये जवाब देंगे तीसरी मर्तबा का इंतजार करके मैं इत्मीनान में हुज्जत करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि अली को पहली मर्तबा में भेज दूं, बाद में आने वाले कहे अली ने जाने में जल्दी की, हम भी पीछे ही आ रहे थे। बता दिया, मौका सबको मिला था लेकिन मौका से फायदा सिर्फ अली ने उठाया है। मुझे एक और फिक्रा भी कहने दीजिए। हम मानते हैं कि गार में फलां नबी के साथ मौजूद थे, वो यारे गार थे, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं अगर वो नबी के साथ नहीं होते, कोई और होता, तो क्या उसके लिए मुश्किल होता नबी के साथ रहना? उसके लिए भी आसान होता, नबी साथ साथ मौजूद हैं, क्या परेशानी है? कोई भी शख्स होता, कोई भी सहाबी होता, कोई भी मुसलमान होता, वो नबी के साथ गार में रह सकता था। लेकिन मुझे बताओ गार में हर मुसलमान रह सकता है, बिस्तरे रसूल पर अली के अलावा कोई नहीं सो सकता। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। सब मिलते हैं याली। तो मुझे फिक्रा कहने दीजिए कि जंग में शरीक होना कोई कमाल की बात नहीं है, ये तो हर मुसलमान कर सकता था। मैदान में जाकर मुकाबला करना ये कमाल की बात है। और शायद इन्होंने कभी किसी जंग में किसी को नहीं मारा, इसलिए ये तो हमें यकीन है कि किसी जंग में किसी को नहीं मारा। और ये सिर्फ हम नहीं कहते हैं, ये हर मोर्रिख ने लिखा कि किसी जंग में इन्होंने किसी को नहीं मारा। लेकिन शायद इसलिए नहीं मारा क्योंकि जिस कबीले का भी मारते वो कबीला बाद में जाकर दुश्मन बन जाता, और बाद में इन्हें खिलाफत हासिल करनी थी तो इन्हीं के वोटों से हासिल करनी थी। अली को वोट इसलिए कम मिले क्योंकि हर कबीले का मारा था। करबला 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 करबला, याली याली याली, मदद हक हैदर।
तो अब अली इब्न अबी तालिब चले अमर बिन अब्दुवत के मुकाबले में। जब अली आए हैं अमर के सामने, अमर ने कहा ए शख्स तू कौन है, अपना तारुफ करवा। फरमाने लगे अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। अमर जानता था कि ये कौन अली है, और अमर बिन अब्दुवत बदर में भी आ चुका था, जंग बदर में भी आया था, लेकिन जख्मी हो गया था इसलिए बच गया, फरार कर गया था। जानता था कि बदर का मैन ऑफ द मैच कौन है, इसलिए अली का नाम सुनते ही कोई बहाना तलाशने लगा। कहने लगा अबू तालिब मेरा दोस्त था, इसलिए मैं नहीं चाहता अपने दोस्त के बेटे को मारूं। लेकिन मेरे मौला ने जवाब दिया लेकिन मैं चाहता हूं कि तुझे मारूं। और ए अमर मैंने सुना है कि तू तीन ख्वाहिशों में से जरूर एक ख्वाहिश पूरी करता है। तो कहा कि तूने बिल्कुल ठीक सुना है, क्या फिर अपनी ख्वाहिश बयान कर। मेरे मौला ने फरमाया सबसे पहली मेरी तमन्ना यह है तू इस्लाम ले आ, मेरा भाई बन जा। अल्लाह अकबर, ये सोच नहीं सकता था कि ये जुमला भी उसको मिलेगा सुनने को। गोया मौला ने हम सबको पैगाम दिया है मैं तलवार चलाने का शौकीन नहीं हूं, मैं इस्लाम पहुंचाने का शौकीन हूं। सबसे पहले इस्लाम का पैगाम दिया, कहा ये तो हो नहीं सकता, मैं तो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, हो नहीं सकता मैं मुसलमान हो जाऊँ। दूसरा मेरे मौला ने फरमाया कहा अगर तू मुसलमान नहीं होता है, काफिर रहना चाहता है, मैदान छोड़कर चला जा, दोबारा चले जा अपने मकाम पर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। क्या लगा कि नहीं अगर मैं दोबारा मैदान से लौट गया औरतें मेरा मजाक उड़ाएंगी, लोग कहेंगे ये डर गया, ये बुज़दिल आदमी था, इसलिए मैं मैदान से भाग नहीं सकता। मैं कहूँगा काश मुसलमानों में इतनी ही गैरत होती। मैदान छोड़कर भागा नहीं करते हैं। कहा तीसरी ख्वाहिश तेरी क्या है। अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया अगर तू मुसलमान भी नहीं होना चाहता, मैदान छोड़कर जाना भी नहीं चाहता है, तो फिर आजा मुकाबले पर, और जैसे मैं प्यादा हूं वैसे तू भी प्यादा हो जा और सवारी से नीचे आ जा। वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है, मैं सवारी छोड़ देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। और नीचे आते ही उसने सवारी के चारों टांगे काट दी, चारों टांगे बेजबान जानवर की काट दी। और सुनिएगा, चूंकि इसने बेजबान जानवर को जालिमाना अंदाज में मार डाला था, अली इब्न अबी तालिब ने भी जब सबसे पहला हमला किया तो उसके पैर पर किया, और जंग का आगाज हुआ। पहला हमला उसने किया, मौला ने ढाल से रोका, लेकिन इतना शदीद हमला था उसका कि ढाल टूटते हुए मौला के सर पर जरबत लगी। और यही वो जरबत थी कि इब्ने मुलजम की जब तलवार लगी थी तो रिवायत कहती है कि उसी मकाम पर लगी जिस मकाम पर अमर बिन अब्दुवत की तलवार खंदक के मैदान में लगी थी। इतनी खतरनाक उसकी जरबत थी, ढाल टूट गई, सर अकदस तक पहुंच गई। लेकिन अब अली ने हमला किया तो पहले पैर पर हमला किया, पैरों पर हमला करना था, जैसे उसने बेजबान जानवर को गिराया था, अली ने अमर बिन अब्दुवत को गिरा दिया। अमर बिन अब्दुवत का गिरना था, इतना कवि हैकल इंसान था, गर्दो गुबार बुलंद हो गया। मेरे मौला उसके सीने पर सवार हुए, असले को उससे छुड़वा दिया, और अभी उसका सरतन से जुदा करना चाहते थे कि उसने दो गुस्साखियां की, एक थूक अपना चेहरे हजरत अली मुर्तजा पर फेंका। यह गुस्साखी करने के बाद उसने मेरे मौला के माँ की शान में गुस्साखी की। रिवायत कहती है शतमा उम्महू, मेरे मौला की मादर गिरामी की शान में गुस्साखी की। अब इस जुमले से हमें पता चलता है कि यह अबू तालिब का दोस्त नहीं था। और जब ये तो गुस्साखियां हो गई, अब तो और ताकत से मारना चाहिए था हैदर गर्रार को, लेकिन हैदर ने सीने से उतरकर बताया सीने पर चढ़ना भी शुजात होता है, सीने से उतरना भी शुजात होता। सीने से उतर गए और दोबारा कुछ कदम चलने के बाद फिर मुकाबला किया, फिर उसे जेर किया और उसका सरतन से जुदा किया। मेरे नबी ने सवाल किया ए अली मैं तुझे देख रहा था, तू पहले सीने पर सवार हुआ था लेकिन इसका सरतन से जुदा नहीं किया, उसके बाद दोबारा मुकाबला किया, फिर सरतन से जुदा किया, आखिर वजह क्या है। मेरे मौला ने बयान फरमाया, तवज्जो रखिएगा, बयान फरमाया या रसूल अल्लाह जब इसने मुझ पर थूक दिया था और मेरी माँ की शान में गुस्ताखी की थी, मुझे गुस्सा आया लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अपने गुस्से की वजह से किसी पर तलवार चलाऊं,
मेरी तलवार चलती भी है तो गैज़ परवरदिगार से चलती है। अब अगर ये फॉर्मूला जहन में आ गया है तो हमारे लिए बात समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों नबी के चले जाने के बाद अली ने तलवार नहीं निकाली? जहरा पर हमला हुआ, क्यों तलवार नहीं निकाली? अली की तलवार अपने गुस्से को बुझाने के लिए नहीं निकलती, हुक्म रसूल और हुक्म खुदा से निकलती है। इसमें नारा होना चाहिए, यह है दर करार, जो सीने पे चढ़ना भी जानता है, सीने से उतरना भी जानता है। और फिर जब मेरे मौला दोबारा नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुए तो नबी ने पहले फरमाया था, बरद अल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। मैं रिवायतें देख कर आपकी खबर कर रहा हूँ, बास किताबों के अंदर अल्फाज तब्दील हैं, बरज दीन कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले, पूरा दीन जा रहा है पूरे कुफर के मुकाबले में। बाज में है, बरज अल इस्लाम कुल्लहु इला शिक्र शिर्क कुल्ले, पूरा इस्लाम जा रहा है पूरे शिर्क के मुकाबले पर। तवज्जो रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? अली है कुल्ले ईमान, अली है कुल्ले दीन, अली है कुल्ले इस्लाम। कुल का मतलब क्या होता है? कुल कहते हैं 100% को, 100 का 100% ईमान है अली, 100 का 100% दीन है अली, 100 का 100% इस्लाम है अली। अब अगर कोई मुसलमान अली ही को अपने इस्लाम से माइनस कर दे तो इसका इस्लाम रहता कहां है? सुभान अल्लाह, अली 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 या अली या अली या अली मदद हक हैदर। जब इंसान के दिल से अली अली निकले ना तो अपनी माँ को दुआ दिया करे, ये हर एक के दिल से नहीं निकल सकता। और मैं बयान करूं, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अल्लामा ज़हबी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनके शागिर्द सखावी वो खुद ये कहते हैं कि जब हमारे उस्ताद के सामने अली की कोई फजीलत आती थी तो कोई ना कोई उसमें ऐब निकालते थे, कभी सनद में ऐब, कभी मतन के अंदर ऐब, कहते थे कि ये चीज़ काबिल कबूल लगती नहीं है। और जहाँ पर कोई ऐब नज़र नहीं आता था तो ये कहते थे, यशहदु अन्नल कबल अन्नहु बातिल, मेरा दिल गवाही देता है ये फजीलत ठीक नहीं हो सकती। तो दिल के ठीक होने के लिए माँ का ठीक होना ज़रूरी है। माशाल्लाह। और अली मुर्तज़ा जब इस शान के साथ आए, अब सुनिएगा, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, अमर बिन अब्दुल्लाह के साथ 6-7 अफराद और भी आए थे। सवाल यह है कि उनका मुकाबला किसने किया, वो कैसे मारे गए? अली इब्न अबी तालिब ने, मैं कहूँगा सिर्फ अली हैं जिन्होंने इस आयत पर अमल किया है। तवज्जो रखिएगा, कौन सी आयत? कुरान ये कहता है, ए मुजाहिदो जब तुम जिहाद करने जाओ, फशर्रद बिहिम मन खल्फहुम, तो सफ़े अव्वल के काफिरों को ऐसा मारा करो कि जो पीछे रह गए हैं वो डर के मारे भाग जाएं। सर वाली ऐसे हैं जो ऐसा हमला करते थे कि पीछे वाले वैसे ही भाग जाया करते थे। अमर बिन अब्दुल्लाह का हाल देखकर इकरमा भाग गया, जरा आबाद गया, बाकी अफराद भाग गए। जब वो भाग रहे थे तो अब मुसलमान खड़े हुए। अली की शान नहीं है कि भागने वालों का पीछा करे, मुसलमान दौड़ने लगे और तलवारें निकाल कर उन पर हमला करने लगे। बाज ऐसे थे जो खंदक में गिर गए,
जब खंदक में गिर गए मुसलमानों ने बहुत पत्थर मारे और पत्थर मार मार कर उसे मारने वाले थे कि उसने हाथ जोड़कर कहा मुझे किसी ऐसे के सामने खड़ा करो जो एक ही वक्त में मुझे मार दे। किसी में जरूरत नहीं हुई कि खंदक में उतर कर भी उसको मार सके। अली को बुलाया गया, अली ने खंदक में उतर के उसको वासिले जहन्नम किया। अल्लाह अकबर, मुझे कहने दीजिए, अली में और दूसरों में फर्क यही है। अली वो होते हैं जो सबसे पहले हमला करते हैं और दूसरे वो होते हैं जब अली हमला कर दे तो माले गनीमत की तलाश में सबसे पहले पहुंचते। तो अली इब्ने अबी तालिब ने यहां पर जो शुजात के जौहर दिखाए उसके बाद तारीख बशरियत के अंदर सब्त हो गया कि अली से बड़ा कोई पहलवान नहीं। इसीलिए खैबर में भी मरहब आने से डरता है, अंतर आने से डरता है। और खंदक के मैदान में नबी ने फरमाया था ज़रबत अली यौम अल-खंदक अव्वलु मिन इबादत अस-सक्लैन। ये छोटा जुमला नहीं है, इतना अजीम जुमला है, इतना अजीम जुमला है कि किसी एक सहाबी को भी मिला होता उसकी नस्लों के लिए काफ़ी होता। फरमाया अली तुम्हारी एक ज़रबत सक्लैन यानि सारे जिन्नात और सारे इंसानों से अफजल है। गोया नबी ये कहना चाह रहे हैं, ए अली आदम से लेकर कयामत तक आने वाले इंसान और आदम से पहले से लेकर कयामत तक आने वाले सारे जिन्नात जितनी मेरी बंदगी करेंगे अगर उसको तेरी जरबत के सामने रख भी दिया जाए तो वो बराबर नहीं होती, तेरी जरबत उन पर भी भारी होती है। जिसकी एक जरबत का मुकाबला सकलैन न कर सके उसकी बाकी जरबतों का मुकाबला कौन करेगा? और जब जरबतों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो बाकी जिंदगी की इबादतों का मुकाबला कौन करेगा? अली के बराबर कोई इंसान कोई जिन नहीं आ सकता, एक जरबत का मुकाबला नहीं। कैसे हो सकता है कि अली के बराबर नबी के बाद कोई आ जाए? मैं कहूंगा जब अली की बराबरी कोई नहीं कर सकता तो अली से पहले कोई कैसे आ सकता है? लेकिन ये अली की मजलूमियत है। जिस तरीके से अली जिहाद करना जानते थे और तलवार चलाना जानते थे, इसी तरीके से हुक्म रसूल में तलवार नियाम में रखना भी जानते थे। और यही खसूसियत करबला में फिर अब्बास इब्ने अली को हासिल हुई। हुक्म इमाम पर तलवार निकालना भी जानते हैं, हुक्म इमाम से तलवार नियाम में रखना भी जानते हैं। और आज गाजी अब्बास के उन शागिर्दों का जिक्र है जिन्हें औन मोहम्मद कहा जाता है। ये औन मोहम्मद सिर्फ शहजादी के लाल नहीं हैं, ये हजरत अब्बास के दिल की ठंडक हैं। ए औन मोहम्मद, तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे भांजे हो, तुम मेरे दिल का सहारा हो, तुम मेरे फूल हो। और आप जानते हैं औन मोहम्मद पहले ही से इस कारवान में शरीक नहीं थे। मक्का में जब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ गए, कारवान चला गया 8 ज़िलहज्जा की तारीख को, औन मोहम्मद जाफर अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ रुक गए। कुछ देर नहीं गुजरी थी कि अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार दौड़ते दौड़ते अपने बच्चों को साथ लेते हुए आए। ज़ैनब कुबरा डर गई, कहीं ऐसे तो नहीं कि अब्दुल्ला मुझे भी साथ ले जाना चाहते हो। जैसे करीब सवारी आई, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने कहा, ऐ बीबी आप सफर इख्तियार कर रही हैं, क्या सदका साथ नहीं ले जाएंगी? ये दोनों मेरे बच्चे हैं, आप पर सदका हो, मेरे आका पर वारी हो, जब कोई कठिन वक्त आ जाए मेरे मौला पर ये मेरी जानिब से सदका कर दीजिएगा। और ये सिर्फ खिताबत का जुमला ये नहीं है, हकीकत है। इसलिए कि वाक़े करबला के बाद जब औन मोहम्मद के लाशें आ गए थे और ये खबर मदीना में अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार तक पहुंची कि औन मोहम्मद भी मारे गए, तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का एक गुलाम था, कहने लगा, ए आका आपके साथ नाइंसाफी हुई, हुसैन ने आपके बच्चों को पहले भेज दिया, आपके पहले बच्चे पहले मर गए, हुसैन बाद में मारे गए।
जैसे ही अब्दुल्ला बिन जाफर दयान ने जुमला सुना, एक मरतबा जलाल के अंदर आकर कहा, ऐ बदबख्त तू क्या कहता है? मेरे बच्चों की खुशकिस्मती कि वो हुसैन पर कुर्बान हुए, अगर मैं अपने बच्चों के बदले होता तो मैं पहले अपने जहल अपने आका पर कुर्बान करता। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार रोते रहे कि काश वो भी इस सफर के अंदर मौजूद होते, लेकिन अपने औनो मोहम्मद को भेज चुके थे। औनो मोहम्मद साथ साथ चले हैं करबला तक, और अगर जानना चाहते हैं शहजादी ज़ैनब कुबरा और इमाम हुसैन की मोहब्बत कैसी थी, शर्त रखवाई थी, ऐ अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार शादी तो हो चुकी है, शौहर की इताअत वाजिब है, लेकिन शर्त यह है ज़ैनब जब चाहेंगी अपने भाई से मुलाकात कर सकती, और हुसैन जब चाहेंगे अपने बहन से मुलाकात कर सकते। ये अजीब रिश्ता था बहन और भाई के दरमियान, और कई मर्तबा मुलाकातें हुई हैं, जिनमें से एक मुलाकात का जिक्र ये मिलता है कि जब मौला हुसैन अपने बहन से मुलाकात करने के लिए आए, क्या देखा, बहन आराम कर रही है, खिड़की से सूरज की शुआएं बीबी के चेहरे पर आ रही है। मौला ने जब उन शुआओं को आता हुआ देखा, उस धूप के सामने मौला खड़े हो गए, मेरे बहन का मैं साया बनूंगा, कोई मेरे बहन को तकलीफ नहीं दे सकता जब तक ये भाई जिंदा है। खड़े रहे हुसैन, हुसैन कौन है? हुसैन हुज्जत खुदा है, हुसैन रसूल का नवासा है, हुसैन आयत तथीर का मिज़दाक है, हुसैन कुरान नातिक है, लेकिन ज़ैनब के लिए खड़े रहे। जब ज़ैनब कुबरा की आंखें खुली, एक मरतबा आका को देखा, फरमाया आका अब आए और मुझे खबर न की, कहा आप आराम कर रही थी, मैं नहीं चाहता कि आपके आराम में खलल वाके हो। कहा भैया अगर आराम में खलल वाके नहीं भी करना था तो तुम किसी और मकाम पर आराम करते। मेरे मौला ने फरमाया नहीं बहन, मैंने देखा धूप तेरे बदन बढ़ बढ़ रही है, यह हुसैन से गवारा नहीं हो सकता, मेरी लाडली बहन पर कोई आज आ जाए। अज़रकुम अल्लाह, सही है मेरा सीना साथ नहीं दे रहा, आपका सीना तो साथ देता है, अगर किसी को रोना ना आए तो बीबी से माफी मांगे। मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं, ये अहले बैत के घराने की ख़वातीन हैं, अगर कोई इन पर एहसान कर दे ये एहसान का बदला जरूर चुकाती है। अरे शरीकतुल हुसैन अकीला बनी हाशिम आलिम गैर मुअल्लिमा, इन पर कोई एहसान कर दे ये एहसान का बदला जरूर चुकाएंगी। खुदा से कहा होगा परवरदिगार कोई मौका मुझे भी नसीब करना, मैं हुसैन के लिए साया बनूंगी, जिंदगी भर वो मौका ना मिला, अगर मिला तो कब मिला, जब असरे आशूर धूप हुसैन पर आ रही है, बहन तेरे ज़ैनब यहां से खड़ी देख रही है, याद किया होगा वो वाकया, अब मैं आऊंगी हुसैन के लिए साया बनूंगी, मगर मैं साया कैसे बनूं जिसके सर का साया सलामत है। वो बलवे आम में बीबी कैसे आ जाए? अज़रकुम अल्लाह, बस भी मोमिनो मैंने मंजिलें ख़त्म की, सीने में ताकत नहीं, परवरदिगार शाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब उम्मुल मसाइब के रोज़े पर जाते हैं ना, किसी जाकिर की ज़रूरत नहीं, किसी नुहा खान की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सामने ज़री को देखो, दुखियारी का मातम करो।